जब ये भी हो रहा है वाला छोटा है ना, वो कैमरा छोटे होते हैं उसको देखो वो क्या बच भाई कौवे देखो किस तरह से छेड़ रहे हैं उसको, वो देखो देखो उसके पंख के पास गए, वो देखो अटैक किया उसके ऊपर है ना, ये क्या मतलब क्यों छेड़ रहे हैं इससे, ये देखो ये देखो देखो तीनों ने घेर रखा है, ये देखो वो गया ये देखो, अब देखो कैसे कैसे खाएगा, ये तो कुछ खा रहे हैं पंख वगैरह खा रहे हैं, नहीं नहीं ये देखो कैसे लात मार के है ना, रियान भाई उतर जाओ यहाँ पे, वो तो मुझे भी पता है चौकी पे पहुंच गया लेकिन आ रहा है मैं कह रहा हूं इतनी देर से। अब देखो वल्चर ने उसकी तरफ ही मुंह कर लिया, बेटे अब आ तू, अब आ मैं बताता हूं, ये भी चोंच मारेगा बैठा हुआ यार वहां उधर, कोई बर्ड वर्ड है उड़ेगा उसे, उड़ेगा ना जब परेशान कर दिया तो उड़ना पड़ेगा इसको, नीचे तो चील बैठी है ना, वल्चर नहीं है नीचे तो, अच्छा वो मेल है ये फीमेल है, चील है कॉल भी हो रही है, कॉल हो रही है नंबर की कॉल, भाई क्या मन में है कभी कभी। तो भाई आज हमारे जीप के ड्राइवर ये है, क्या नाम है सर? रियान है। रियान जी चलो ठीक है बढ़िया है, चले तो फिर चलिए सर। चलो चलो मैं एक बार मैप दिखा देता हूँ भाई, ये मैप है और अभी हम जहाँ पर है, अभी हम जहाँ पर है वो यहाँ पर है मोतीचूर में, तो अभी मैं देहरादून से आया हूँ, नेपाली फार्म होते हैं मोतीचूर, यहाँ से हम सफारी करेंगे इस जोन की, इस पूरे अंदर जोन में घूमेंगे, धौलकंड तक नहीं जाएंगे, बेरीबारा नहीं जाएंगे, वो मैंने दिखा रखी थी, मोहन सहारनपुर रोड से मोहन की सफारी होती है, फिलहाल में ये रेलवे ट्रैक है जो देहरादून से हरिद्वार जा रहा है, काफ़ी बार हादसे हो जाते हैं, रेल के सामने हाथी मर भी चुके हैं, काफ़ी कट चुके हैं, ऋषिकेश जिधर है टू वर्ड ऋषिकेश टू वर्ड रुड़की हरिद्वार, आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं हूँ मोतीचूर के गेट पे। चलो तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं भाई, ये प्यारा सा अपना मोतीचूर का फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है, जीप अपनी आ चुकी है, तो भाई एग्जैक्ट 3:08 हो रहे हैं और आज थोड़ा सा जल्दी सफारी स्टार्ट कर रहे हैं, गेट अभी ओपन नहीं हुआ, कहाँ गए कहाँ, तो ठीक है भाई यहाँ से सफारी स्टार्ट कर रहे हैं रजत भाई और सब लोग, अच्छा लग रहा है भाई एक अलग ही टीम बनी है आज, और प्रीति बैठ गई आगे, और चलो भाई पिछले लास्ट टाइम आया तो हिरन यही खड़ा था, तो भाई रजत भाई कम से कम 100 बार सफारी कर चुके हैं यहाँ पे, 100 बार मतलब अगर अगर वो करा जाए ना सर्वे की सबसे ज्यादा बार सफारी की थी तो आप ही जीतोगे, इन्होंने पिछली बार आए थे एलिफेंट की फाइट देखी थी, और एलिफेंट की फाइट तो वही टाइगर से भी फाइट से भी ज्यादा खतरनाक होती थी, बहुत था ऐसा कि मतलब और ऐसा था पूरा जंगल कांप गया था, पूरा जंगल समझ गया मैं, शायद इसमें वीडियो भी होगी वो वाली मैं आपको दिखाऊंगा, पिछली बार देखो हिरन यही पे खड़ा था, आज तो वो बेचारा कहीं चला गया है थोड़ा, तो आज हर रोज ना मतलब अलग माहौल होता है जंगल का, कभी आओ तो यही मिल जाते हैं हजारों हिरन, और इधर उधर मिलना शुरू हो जाते हैं, वाइल्ड बोर मिलना शुरू हो जाता है कुछ, कभी कभी वो अंदर तक भी नहीं मिल पाते, तो ये तो खूबसूरती है जंगल की। तो भाई जिस जीप में हम बैठे हैं इसमें बिल्कुल भी आवाज नहीं है, मतलब लिटरली बस पत्थर पत्थर की तो आ रही है बाहर से आवाज, किसी इंजन विंजन की नहीं आवाज, ये नया ट्रैक खुला है, इस वाले पे आए हो आप या अभी पहली बार ही जाओगे इस ट्रैक पे? मैं आया हूँ इस पे, तो आया हूँ इस पे, तो मेरे ख्याल से तीसरा चौथा नंबर होगा तुम्हारा। चलो बढ़िया है, हमारा तो दूसरा है। कहाँ पर था ये? रुको अच्छा अच्छा दिख गया दिख गया दिख गया दिख गया, तो भाई ये कल रात का है एलिफेंट डंक, रात इधर से ही गुजरे हैं, यानी कि हाईवे के कितने पास हैं ये? बिल्कुल यहाँ तो यही पास में रहते हैं। हाँ तो पगमार्क दिखे भाई छोटे लेपर्ड के, हो सकता है आसपास हो, और हमें यह भी मालूम चल जाता है जो पहले जीप गई है उसके बाद गया लेपर्ड, क्योंकि वो जीप के टायर के पंजे ऊपर होते हैं पंजे। अच्छा लेपर्ड बहुत है, डेंसिटी काफी हाई है, रानीपुर का आप देखना, रानीपुर से लेकर मोहन तक पूरा खुला है, 20 मीटर तक अंदर तक खुला है। तो समझ गया नेचर से तो लव ऐसा हुआ, जब मैं पहली बार ढिकाला गया अच्छा, तो वहाँ पे मुझे अपने बचपन की याद आ गई, मतलब ऐसा लगा जैसे बचपन में हम गांव में खेलते थे ना अपने, वो चिड़िया हो और वही मतलब इतने प्योरिटी वही हवा, जिसकी आवाज आती थी वो हवा ही, वो हवा मतलब ना नेचर में जाके ना तुम अपने
20-30 साल पुराना इंडिया में पहुंच जाते हो। हाँ वो तो है ना, ऐसा बाहर तो है नहीं माहौल। जैसे अभी आप यहाँ पे हो, आप एक इसकी आवाज सुन सकते हो, नहीं तो वहाँ पे अगर आप मेन रोड पे जाते हो आपको एक ट्रक की आवाज या ऐसे बस की आवाज सुनाई दे। हमारा गाँव मेरठ के पास है ना, हमारा गाँव तो वहाँ पे ना, गाँव में भी जैसा माहौल अभी है ना यहाँ पे, ऐसा गाँव में हुआ करता था 30 साल पहले, चिड़िया विड़िया आ जाती थी, लेकिन अब तो कम है ना। हाँ तो हमारे यहाँ है ना गांव में भी पहले ऐसा गांव का इतनी अच्छी जिंदगी थी। इसको कोई खत्म नहीं करेगा तो मेरे ख्याल से बहुत चलता रहेगा, है ना। हाँ ये तो चलता रहेगा क्योंकि ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा नेचर, इतना अच्छा है ये। बस वो तो क्या बताऊँ, मैं इतनी बार आ चुका हूँ और इससे ये लोग पैसे कमाते हैं। नहीं वो तो देखो क्या चीज है, मकड़ी ने जाना मुंच पाओ। अरे हाँ ये देखो भाई लैप पड़ के, और ये उसके ऊपर ही है, गाड़ी के ऊपर है। ये देखो, ये देखो लेपर्ड की संख्या अच्छी है, पर मिलता नहीं जल्दी। हाँ दिखता नहीं, दिखता नहीं है क्योंकि जंगल बहुत घना है ना, इतनी यहाँ भी बैठा होगा ना तो भी नहीं दिखेगा लेपर्ड। तो ऐसी चीज है कि यहाँ चुप भी जाएगा तो नहीं दिखता। हाँ तो भी नहीं दिखता, ऐसा बना लेता अपना बिल्ली जैसा, बिल्ली जैसा मुंह बना लेता है। पेड़ पे बैठ जाए तो मजा आ जाए, पेड़ पेड़ पे बैठा रहे तो। बहुत ध्यान से देखना पड़ता है भाई, लेपर्ड बहुत है यहाँ पे। लेकिन जो इसकी रिकॉर्डिंग है ना वो किसी की नहीं है, बहुत मतलब स्टेबलाइजेशन इतना गजब है ना इसमें। कुछ सामने ऐसे पेड़ दिख रहे हैं जो हम नहीं देख पा रहे है ना, क्लियर बेस्ट दिखता है। क्या जंगल है यार, मजा ही आ गया। वाओ गोडरेज देखो कितनी बढ़िया पड़ रही है। अभी तो नहीं खुला, 2 दिन बाद खुलेगा। चलो 2 दिन बाद खुला तो मैं फिर रानीपुर गया था। अच्छा सबसे पहले रानीपुर गया था, और रानीपुर जाने के बाद मैंने जो है फर्स्ट सफारी 15 को ही करी। अच्छा शायद उनके रिकॉर्ड में भी होगा। अच्छा तो मैंने 15 को फर्स्ट सफारी करी थी, एंड 15 के बाद मुझे ऐसा मतलब मेरे को अंदर जाते ही, एंड मतलब ये समझ लो कि जैसे ही गेट से एंटर हुए हैं सामने एक डॉग भागता आ रहा था। मेरे को उन्होंने बताया था कि डॉग जो है उसका लैपर्ड का फेवरेट फूड होता है, और डॉग लैपर्ड वाले एरिया में भागता आ रहा है। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये कैसा है, और आप मानोगे नहीं, यकीन नहीं मानोगे, 3 लैपर्ड दिखे। ओ तेरी, ऐसी होता है सनराइज होते हैं। मैं घूमने इतनी बार हूँ, मुझे एक आधी बार ही मिला। अच्छा मैं भी रात आया हूँ। अच्छा तो जाते रहते हैं ना, आप तो जाते रहते हो, जाते रहते हैं। रात रात मुझे एक नहीं दिखा, एक नहीं। हाँ ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। हमें शाम को दिखा मैं जब नहीं आ रहा, मुझे भी लगभग 10-11 साल हो गए यहाँ पर गाड़ी चलाते हुए। कह रहे वहाँ पर लैपर दिखता है, मैं शुरू शुरू में गया, मुझे मतलब एक हफ्ते लैपर ही नहीं दिखा। अब मैं वहाँ पर वहाँ की गारंटी ले सकता हूँ कि मैं लैपर गारंटी। अरे वाह, किस जगह दिखता है वो? शुरुआत में जो जंगल आता है ना घना दीवार के किनारे, वहाँ पर दिखता है, या फिर सड़क चौकी है ना वहाँ पर। हाँ वहाँ दिखता है। अच्छा सुना तो मैंने भी था कि लेपर्ड दिखता है, और पता है 5-6 साल से सुन रहा था मैं कि शाम को दिखता है कभी रानीपुर की शाम को सफारी करना। और मैं गया, 4 लेपर्ड दिखे पहली वाली में ही, वो यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है। और बताया फिर बिल्कुल लास्ट में करो, तो मैं गया और फिर अगली बार गया नहीं दिखे। होता है कभी कभी दिखते हैं कभी। मैं पहली मोहन में गया, पहली बार में बहुत बड़ा लेपर्ड दिखा, मोहन में दूसरी बार गया नहीं दिखा। बाद में
म्यूजिक लग जाता है। अच्छा ये जो दिन है ना धूप निकली हुई है ये सुपर बेस्ट रहता है, धूप ना निकले तो इतना मजा सा नहीं आता। हाँ ठंड भी लगती है और ये जो रेस आ रही है जंगल की खूबसूरती है यार। अगर आप अभी ये कहते कि सुबह जब आपसे मेरी बात हुई थी कि उस टाइम पे हमने जाना है तो नहीं जा पा, सीरियसली मैं जब वहाँ से निकला हूँ ना धूप पड़ी है स्कूटी पे, क्योंकि जब हमें कल रात से पड़ी तो जैसी पड़ी तो हमें लगा कि हाँ भाई हम सही घूम सकते हैं। अभी मौसम खराब होने वाला है बल्कि एक दो दिन में, और बारिश बारिश भी है, बारिश स्नो भी पड़ सकती है ऊपर ना धनोल्टी साइड। फ्राइडे का दिखा रखा है, हाई अलर्ट है, ऑरेंज लाइन जिसे कहते हैं। अच्छा भाई फेमस ट्री आ गया, गेट बना हुआ है बेहतरीन, इसको कैसे मिस कर सकते हैं, इसको भी रिकॉर्ड करना है। बढ़िया सांबर डियर आ गया। तो भाई एलिफेंट ने ये तोड़ा हुआ है, अभी हम आए थे कुछ दिन पहले, परसों नरसों कब आए थे तब नहीं था ये, अब देखो तोड़ दिया सारा। भाई हमारे बाद में क्यों तोड़ते हो, पहले सामने तोड़ो ना तभी तो मज़ा आता है। इस तरह के पेड़ पे चढ़ता होगा लेपर ज्यादा, थोड़ा टेढ़े है ना, आराम से बैठ सकता है इस पे सीधा। रानीपुर में ना बेरीबाड़ा के पास जो नदी पड़ती है, हाँ हाँ, वहाँ पर हम मेरी गाड़ी जा रही है और स्पॉटेड डियर कॉल कर रहा था। अच्छा हम इधर उधर देख रहे हैं, हमें कुछ नहीं दिख रहा और नदी के बीच में लैपर बैठा हुआ उसे स्पॉटेड डियर को लेके। अच्छा जैसे फिर काफी गाड़ियां वहां पर इकट्ठी होगी मतलब, हाँ, और उसने क्या काम करा उसे घसीटने लग गया वहां से। अरे वाह, उसके नदी के अंदर अंदर घसीटता हुआ ले जा रहा, वो काफी लंबी नदी थी वो, फिर ग्रास में जाके बैठ गया लेके उसे। अच्छा फोटो भी है मेरे पास। अरे वाह कितना प्यारा शॉट आया होगा, बढ़िया। उनको वो किसी को नहीं दिखाई दिया, मैडम बोल रही है भैया ये तो हमारी तरफ देख रहा है। बगल में बैठा दिखता नहीं है, लोगों का ध्यान दूसरे पे चला जाता है, वो ध्यान इधर भी जाएगा ना तो भी नहीं देख पाएंगे। अच्छा पिछली बार हमें एक भी लेपर्ड नहीं दिखता, अगर बंसल जी को न ले जाते सारे लेपर्ड बंसल जी ने देखे, अरे वो देखो अरे वो देखो, मैंने कहा यार तुम्हें लिया है बढ़िया हो गया, होता है ना कोई कोई आदमी ज्यादा दिखा देता है। राजा जी का सबसे बड़ा हाथी, उम्र भी थी जिसकी सबसे, 4 घंटे फाइट चली आपस में फिर मरी गया, और पिछले साल भी चोट लगी थी उसकी पट्टी करी दवाई करी तो वो जंगल से रानीपुर में लड़े थे, रानीपुर में दो हाथी इकट्ठे लड़ रहे दीपक गेगोस वालों में, वो दोनों लड़ते 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 मोतीचूर में आके उनकी जो है डेथ हो गई, दोनों की इकट्ठे हुई थी। अच्छा यस, और दोनों ने एक दूसरे को ऐसे घायल किया था कि जो है दोनों एक साथ ही डेथ हो गई थी। अच्छा यस, और दोनों दांत वाले हाथी थे, एक दूसरे में दांत मारा यहाँ पे एंड पिछले साल आपका ये जो रेलवे पटरी है जहाँ से अभी मोतीचूर में गए हैं, यहाँ पे एक क्या नाम है बच्चे की भी डेथ हुई थी जो ट्रेन के द्वारा हुई थी, ट्रेन में भी काफी डेथ हुई है, ट्रेन के द्वारा हुई थी। क्या चीज है डियर भाई, वाटर होल आ गया, ये वही वाला रूट है, अगर हम सीधा आते मोतीचूर गेट से तो इससे आते, और ये जंगल से नया वाला रूट खुला है। ये वाटर होल है और ये बराबर में नेचुरल पॉन्ड है, नेचुरल वाटर होल,
अच्छा कभी ऐसा भी हुआ होगा इस तरह की चीजों में फंस गया हो, हाथी का बच्चा या हाथी ना, यहाँ पे नहीं। या कभी हिरन निकाला हो? देखो किल किया हुआ है, देखो। हाँ वो तो देखा था मैंने, किल किया हुआ है ये। सामने ग्रुप खड़ा हुआ डियर का, और सामने डियर का ग्रुप है भाई। चीतल अब दिखाई दिया हमें, चीतल खुले में रहता है बाहर। उस तरफ से एक जीप आ रही है, अब दिखाई दिए भाई चीतल। सांबर डियर तो एक मतलब दिखाई दिया गया था वहां पे पहाड़ पे चढ़ रहा था, चीतल अब दिखाई दिए इस रूट पे खुले में है। ओहो भाग गया भाग गया भाग गया, वो अकेला था बिचारा। अच्छा वो मिस कर दिया मैंने, कार के आगे से गया भाई उठ के, मैं उस तरफ देख रहा था। वाओ क्या है, फ्लाइट थी मोर की, बहुत अच्छा। अब थोड़ा सा हल्की हल्की सी वाइल्ड लाइफ इधर रोहिणी के जंगल के किनारे दिखनी चालू हो गई है। यहाँ पे क्या चीज़ है, क्या देख रहे हैं? अच्छा डियर आराम से पानी पी रहा है, वाओ। और भाग भी नहीं रहा भाई, कभी कभी ऐसा होता है बस यहीं पे रहो। अब भाग गया, हमने उसको भगा दिया। ऐसा ये बोल रहे होंगे दूसरी जीप वाले, मतलब कि हमने उसको भगा दिया। जिस तरह का ये पेड़ है ना टूटा हुआ, इस तरह टाइगर आराम से आके बैठना पसंद करता है ऐसे पेड़ों पे। टाइगर लेपर्ड छोटे छोटे, अच्छा जबरदस्त ऐसे बैठे हैं। आगे जो पेड़ है ना, गिरे हुए पेड़, हाँ इसमें। अच्छा स्पॉटेड डियर कितना बढ़िया लग रहा है, है ना? जब कोई डरता नहीं। एक ना यहाँ पे न्यूज आई थी, वो सत्यनारायण में एक आदमी हरियाणा का था, 55-60 साल का, वो टॉयलेट करने गया मंदिर के पीछे, वो उसको उठा के ले गया 4 बजे दिन में ही। वही वाला लेपर्ड होगा ये, और काफी पूरा वहां तक के चक्कर में 11 ना पकड़ लिए, 11 लेपर्ड पकड़ लिए, पकड़ लिए। हाँ वो नहीं पकड़ा गया, वो नहीं पकड़ा गया, वो नहीं पकड़ा। उसके बावजूद भी घटना ही नहीं रुकी, नहीं रुकी तो उनको छोड़ दिया होगा फिर बाद में। हमारे जो यहाँ के लेपर्ड थे मिलने वाले, सफारी में जो मिलते थे वो पकड़ लिए, तो फिर बाद में तो छोड़ दिए होंगे वो। यहाँ नहीं, वो तो यहाँ नहीं छोड़ा, पिंजरे में डाल दिए। ओहो सेंटर में चिड़िया, और ये वाला चिड़िया पर डाल दिया। ये वाला जो नरबक्षी आप बता रहे हैं, वो लेपर्ड पकड़ा नहीं गया, वो पता भी नहीं चला, वो मर गया शायद, थोड़ा भी मर गया होगा। और बिना फालतू में जो इतनी सफारी में दिखते थे वो भी नहीं, क्योंकि आराम से रहता था इधर, वो आए हाथी में आए और उन्होंने किया दूसरा मिल जा रहा, पकड़ लिया। अब एक कांड और हुआ था यहाँ पे, कॉर्बेट से टाइगर लाए, उसको यहाँ लाए और कॉलर मिल गया, उसका कॉलर निकल गया गले से, तो और टाइगर गया, खुद निकाल दिया। बताओ और वो बाहर नहीं गया, जब तक वो था उसके लगा देख रहा तो बाहर नहीं गया, हाथी घुसड़े अंदर, हाथियों ने भगाने की कोशिश करी, ट्रक लेके गए अपना गाड़ी, ताकि उस समय नहीं बाहर गया। फिर रात को क्या हुआ, रात को उसने अपना कॉलर निकाला, निकाल कर भाग गया। अब भाग गया तो वो सोच रहे कि वही है कॉलर का, जो उनका वो था वो करने वाला, ट्रैक करने वाला, वही। फिर उन्होंने फिर मिल गया था वो बाद में, हाँ वो तो वही तो वही वाला, अच्छा वही वाला। तो फिर उसको दोबारा से कॉलर पहना दिया, अब कॉलर नहीं है, जरूरत पहनाने की, अच्छा जरूरत नहीं है, तो टेरिटरी बना। अच्छा कॉलर तो नहीं पहनाते ना टाइगर को, तो शुरू में पहनाते होंगे, फिर बेहोस करके फिर निकाल देते हैं। अच्छा या फिर इनके पास कोई डिवाइस होता होगा, बटन दबाते हैं वो खुल जाता होगा। कॉलर वाले तो मैंने वो देखे हैं। अच्छा कॉलर वाले भी होते हैं जो जेल में, टाइगर का उसका अच्छा हुआ जो उसने खुद निकाल दिया। अच्छा खुद निकाल, बाद में परेशान किया जाता है उसको। हाँ वो फिर दोबारा से एक और बार ट्रैंकुलाइज किया जाता है, फिर और डिस्टर्ब हो जाता थोड़ा सा। भाई बिल्कुल सीधी रोड चल रही है, बढ़िया फॉरेस्ट है बिल्कुल शांत। हमारे सामने से 3 गाड़ियां भी जा चुकी है, वापस चले गए काफी लोग। मेरे ख्याल से कितनी गाड़ी होंगी जंगल में,
3-4 ही होंगे। वाइल्ड बोर, मुझे भाई पहली हलचल महसूस हो गई थी। वाइल्ड बोर, जंगली सुअर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। फ्लाइट में सांबर डियर ने भी काफी अच्छा शॉट दिया है, पीछे पॉन्ड है, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये वाइल्ड बोर को देख के भी अलर्ट हो गए होंगे। ओ भाई, ये देखो भाग गए जंगल में। बहुत बढ़िया, ये कौन से ड्रोंगो बोलते हैं ना इसको, क्या बोलते हैं? हाँ, वो बर्ड उड़ रही थी अभी। अभी दिखाऊंगा, दोबारा से दिखाऊंगा। ये रे, सामने देखो उड़ रही है जीप के ऊपर। क्या स्वेलो? स्वेलो बर्ड है भाई ये, ड्रोंगो नहीं है। वाटर स्टीम कितनी प्यारी लगती है। एक जीप और मिली हमें। कितना बड़ा ईगल है भाई, ये वल्चर है, वल्चर। और कौवे देखो पीछे कैसे पड़ गए इसके। बैक करना, बैक। यानी कौन सा ग्रीफन? ग्रीफन वल्चर है। भाई कौवे देखो किस तरह से छेड़ रहे हैं उसको। वो देखो, देखो उसके पंख के पास गए, वो देखो अटैक किया उसके ऊपर, है ना। ये क्या मतलब, क्यों छेड़ रहे हैं इससे? ये देखो तीनों ने घेर रखा है। ये देखो, वो गया, ये देखो। अब देखो कैसे खाएगा। ये तो कुछ खा रहे हैं, पंख वगैरह खा रहे हैं। नहीं, ये देखो कैसे लात मार के, है ना। रियान भाई उतर जाओ यहाँ पे, कर लिया बेटे। अब आ तू, अब आ, मैं बताता हूँ। ये भी चोच मारेगा, बैठा हुआ यार वहाँ उधर, कोई बर्ड वर्ड है। उड़ेगा ना, जब परेशान कर दिया तो उड़ना पड़ेगा इसको। नीचे तो चील बैठी है ना, वल्चर नहीं है नीचे तो। अच्छा, वो मेल है, ये फीमेल है। भाई क्या मन में है, कभी कब्बो कैसे वल्चर को छेड़ते। वो उड़ गया। फाइनल ये मजा आ गया भाई, मजा आ गया। बहुत क्लियर मौसम, बहुत क्लियर व्यू।